पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आतंकी हमले में अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक आदिल रजा ने एक बड़ा बयान दिया है। आदिल रजा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में धमाका करवाया है। आदिल रजा ने ये कहा है कि ये हमला कराकर पाक आर्मी चुनाव में देरी कराना चाहती है। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, सेना में मेरे सूत्रों यानी फौजी अफसरों का कहना है कि ये तरीका जो हमें बताया जाता है वही पेशावर में इस्तेमाल किया गया है। अपनी ही एजेंसी ने किस तरह से धमाका कराया है और फायदा उठाया है। फायदा ये है कि चुनाव में देरी करानी है। इससे पहले ये लोग सत्ता में बैठे थे, पहले भी ऐसा कराते रहे हैं। सेना में सूत्रों ने बताया कि स्टाफ कॉलेज में इस तरह के ऑपरेशन को पढ़ाया जाता है। तो अजीज़ान-ए-मन, फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है सीनियर का, कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इम्प्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा क्या है कि इलेक्शन को डिले करवाना है, जो आपको आपका वज़ीर दिफा भी कह रहा है, पूरी के मुख्तलिफ लीडर्स भी कह रहे हैं, बहाना बनाना है और बहाने बना के इलेक्शन डिले करवाना है। और ये बात आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो इससे पहले ये भी करते रहे हैं बात सियासतदान, लेकिन ये अब मैं आपको मुसद्दिका जो मेरे फौजी अफसर हाजिर सर्विस जराए हैं उनकी बात बता रहा हूँ कि ये ऑपरेशन किस तरह स्टाफ कॉलेज में बाकायदा तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, लेकिन दुश्मन मुल्क के लिए पढ़ाया जाता है कि किस तरह सैबोटेज एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपने जो है वो आउटकम अपना सियासी आउटकम लेना है दुश्मन मुल्क के अंदर, फॉक्स लैंड के अंदर। तो KPK को भी आजकल दुश्मन मुल्क ही समझा जा रहा है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इमरान खान को वो दिलोजान से चाहते हैं। गैरतमंद अवाम है, जो भी गैरतमंद पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो KP में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो GB में है, चाहे वो कश्मीर में है, गैरतमंद लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गैरतमंदी की बात करता है। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी सब साइड पे। ये बाकी लोग सिर्फ नारे मारते हैं, बातें करते हैं, इनके कोलो फेल के अंदर बहुत बड़ा तसाद है। वेरज इमरान खान को जो लोग सपोर्ट करते हैं गैरतमंदी की बात करते हैं, और KPK हुए इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, ये तो कहते हैं तो पठानों की पार्टी, लेकिन इनका इस्तेमाल दुश्मन मुल्क पर किया जाता है। ये पढ़ाया जाता है कि कैसे दुश्मन मुल्क में एक ऐसे ऑपरेशंस करके सियासी फायदा उठाना है। आपको बता दें कि पेशावर में सोमवार को पुलिस मुख्यालय में स्थित मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। ये इलाका काफी सुरक्षित माना जाता है। जिस वक्त मस्जिद में ये धमाका हुआ था उस वक्त 300 से 400 पुलिसकर्मी मस्जिद में नमाज के लिए मौजूद थे। हमलावर भी मस्जिद में ही मौजूद था, तभी धमाका हुआ और मस्जिद की दीवारें और छत गिर गई। इसके नीचे तमाम लोग दब गए। अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 59 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती तौर पर तहरीर ए तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, हालांकि बाद में पाकिस्तान तालिबान ने इसे इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि TTP के स्थानीय संगठन का हमले में हाथ हो सकता है। पुलिस ने बताया कि हमले की जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया था। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस हमले में करीब 10 से 12 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। इसके चलते मस्जिद की छत और दीवारें गिर गयी। ये विस्फोटक थोड़ा थोड़ा करके मस्जिद में इकट्ठा किया गया था ताकि सुरक्षा चेक के दौरान ये पकड़ा न जाए।